नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत ज्ञान सेतु में है। दोस्तों, आज हम विशेषण पढ़ने वाले हैं, तो समझ लेते हैं विशेषण क्या है। विशेषण की परिभाषा पढ़ते हैं दोस्तों। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा तो आपने पढ़ लिया, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। और सर्वनाम भी आपने पढ़ लिया, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वो शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण, यानी जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। अब विशेष क्या है, इसमें ये ध्यान दीजिए, जो शब्द विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। यानी किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है जो शब्द, उसे विशेषण कहते हैं। और जिनकी विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष्य कहते हैं। यानी जिसकी विशेषता, जिसके विषय में उसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। उदाहरण है दोस्तों, देखो, सुंदर लड़की हंस रही है। इसमें सुंदर लड़की हंस रही है, सुंदर विशेषता बता रहा है किसकी, लड़की की। ठीक है, इसकी लड़की की विशेषता बता रहा है कि वह सुंदर है, सुंदर लड़की हंस रही है। तो यहाँ सुंदर विशेषण हो जाएगा, लड़की संज्ञा हो जाएगी, जो आपने पढ़ा था संज्ञा इसमें जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि ये संपूर्ण लड़की जाति का बोध करा रहा है, ये तो आपको याद ही होगा दोस्तों। तो ये है इसमें सुंदर लड़की हंस रही है, सुंदर विशेषण हो गया लड़की। अब विशेष्य क्या हो गई इसमें, लड़की हो गई, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है, लड़की की, तो हंस रही है, तो ये क्रिया हो गई जो आप हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ सुंदर विशेषण हो गया तथा लड़की विशेष्य या संज्ञा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के कितने भेद होते हैं, तो दोस्तों विशेषण मूलतः चार प्रकार का होता है। सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, तीसरा है संख्यावाचक विशेषण, चौथा है परिमाण बोधक विशेषण। है विशेषण के भेद, यानी विशेषण कितने होते हैं, तो आप बता सकते हैं कि विशेषण चार तरह के होते हैं। फर्स्ट है सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, यह समझ लीजिए, विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जो मौलिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के, यानी बिना रूप बदले, मौलिक रूप में संज्ञा से पहले, संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, उन्हें इस वर्ग में रखा गया है, जो संज्ञा से पहले प्रयोग किए जाते हैं। जैसे है उदाहरण देखिए, यह घर मेरा, इसमें यह संज्ञा से पहले आ रहा है, घर संज्ञा हो गई, कोई नाम है, तो घर संज्ञा हो गई, मेरा है, इसमें यह शब्द संज्ञा से पहले आ रहा है। और दूसरा है वह किताब फटी है, यानी सर्वनाम। ठीक है, तीसरा है कोई आदमी रो रहा है, इसमें आदमी से पहले यानी संज्ञा से पहले आ गया ये सर्वनाम, मौलिक सर्वनामिक विशेषण आएगा। ठीक है, जो सर्वनाम बिना रूपांतर के, यानी यह रूप नहीं बदलता, यह का यह ही रहेगा, जो सर्वनाम आपने पढ़ा था, यह, तुम, मैं, हम, वह, ये सर्वनाम है, तो यह किसी भी स्थिति में यहाँ पे रूप नहीं बदल रहे हैं, जैसे हैं वैसे के वैसे हमने इनको यहाँ पे प्रयोग किया है। यह घर मेरा है, मैं यह शब्द नहीं बदला है, वह किताब किसकी है, मैं वह सर्वनाम शब्द नहीं बदला है, और कोई मैं, कोई आदमी रो रहा है, मैं क्या है, कोई भी, कोई में कोई रूपांतर नहीं हुआ है। अगला है यौगिक सर्वनामिक विशेषण, जो सर्वनाम रूपांतरित होकर, रूपांतरित मीन्स रूप में बदल कर, अपना रूप बदल लेता है, रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, उन्हें यौगिक सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यौगिक का अर्थ क्या होता है, मिश्रण। ठीक है, बदल जाना, यौगिक मीन्स मिश्रण होता है। तो अब यहाँ पे समझ लो क्या होता है, सुन लीजिए, ऐसा आदमी नहीं देखा, ऐसा, अब यहाँ पे सर्वनाम ने रूप बदल दिया है, यह का ऐसा हो गया है, कौन का कैसा बदल गया, और जो का जैसा हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इन सर्वनाम शब्दों ने अपना रूप बदल दिया है, यौगिक हो गए हैं, रूप बदलने के बाद ये यौगिक सर्वनामिक विशेषण बन चुके हैं। तो समझ लिया दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिए, जो मूल रूप अपना नहीं बदलते वह मौलिक सर्वनामिक विशेषण कहलाते हैं, अपना रूप बदल देते हैं वो सर्वनाम शब्द यौगिक सर्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखे जाते हैं। दूसरा है दोस्तों गुणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण धर्म, संज्ञा और सर्वनाम के गुण धर्म स्वभाव का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक
विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के होते हैं। वाचक विशेषण आ जाएगा, रंग बोधक आ जाएगा, दशा बोधक आ जाएगा, गुण बोधक आ जाएगा और आकार बोधक आ जाएगा। ठीक है, अब काल बोधक में नाम से पता चल रहा है, नाम से पता चल रहा है काल मीन्स समय, नया है, पुराना, ताजा, मौसमी, प्राचीन। ठीक है, और रंग बोधक में रंग, रंगों के नाम बताएगा, रंगों के विषय से संबंधित बताएगा, लाल, हरा, पीला, नीला। दशा बोधक में मोटा, पतला, दशा कैसी दशा में है, युवा है, वृद्ध है, गीला, सूखा। और गुण बोधक में, और गुण बोध अच्छा, भला, बुरा, कपटी, झूठा, सच्चा, सीधा, सरल, ये इसमें गुण बता रहे हैं उसके, संज्ञा या सर्वनाम की गुण बता रहे हैं। आकार में संज्ञा या सर्वनाम का आकार बताया जाएगा, वो गोल है, चौकोर है, तिकोना है, लंबा है, चौड़ा है, नुकीला है, सुडौल है, पतला है या मोटा है, ये इसमें बताया जाएगा। जहाँ पे ये चीजें पूछी जाती हैं गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला है संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या, नाम से पता चल रहा है कि संख्यावाचक, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वहां संख्यावाचक विशेषण हो जाता है, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। अब संख्यावाचक विशेषण भी दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है निश्चित संख्यावाचक विशेषण, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, अब इसमें निश्चित में तो आपको नाम से पता चल रहा है कोई निश्चित संख्याएं हैं, और अनिश्चित में निश्चित संख्याएं नहीं है, अनिश्चित रूप से वह है। तो निश्चित संख्याओं में है 10, 20, 50, नाम लेके बताया जाएगा, इतना बताया जाएगा कि 10 की मात्रा में है, 20 की मात्रा में है। परंतु अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ हैं, कई हैं, सब कुछ है, सब कुछ में पता नहीं कि कितने हैं, और कई में ये भी नहीं पता कि कितने हैं, अनिश्चित है, और कुछ में भी नहीं पता कि कितने हैं, तो ये चीज अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये संख्यावाचक विशेषण के विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। तीसरे हैं दोस्तों परिमाण बोधक। तो दोस्तों इसमें परिमाण बोधक विशेषण है। परिमाण मीन्स जिसमें नाप तौल जिसमें की जाती है। ठीक है, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम, बस ये याद रखिए कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विषय में जो बताया गया है, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषताओं के विषय में जो बता रहा है, जिन विशेषणों से संज्ञा अथवा सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इन्हें भी दो भागों में बांटा गया है, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे याद रखने वाली बात है कि निश्चित संख्या बोधक है और अनिश्चित संख्या बोधक है, यहाँ पे निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक है। क्योंकि निश्चित परिमाण बोधक में फिर वही बात आएगा कि 10, 5 क्विंटल या 10 किलो, 20 किलो निश्चित मात्रा में दिया गया होगा, और अनिश्चित में मात्रा नहीं दी गई होगी, बहुत कुछ या थोड़ा या बहुत ज्यादा ऐसे दिया होगा, तो अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण इसमें आएगा। तो ये थे दोस्तों, आज हमने पढ़ा विशेषण के विषय में। तो दोस्तों जैसे मैं पहले से पूछते आई हूँ, वैसे अंत में प्रश्न तो आपसे पूछना बनता ही है, जब आपने इतना पढ़ लिया तो प्रश्नों के उत्तर तो आप दे सकते हैं। तो आज भी दो प्रश्न आपके सामने हैं। कुछ आदमी चले गए, इसमें कुछ शब्द जो है वो किस विशेषण को दर्शाता है, यह आपने लिख के देना है कमेंट बॉक्स पे मेरे को उत्तर। दूसरा है संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स पे लिख के देना है। तो देखते हैं दोस्तों, यदि आप रही हूँ तो इसमें आपको कैसा लग रहा है, पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लग रहा है, यदि आपके समझ में आ रहा है तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। तो कम से कम दो दोस्तों को शेयर करके आप मेरी मदद कीजिएगा मेरे सब्सक्राइबर बढ़ाने में, और दोस्तों वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारियों के साथ। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, और प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइबर बढ़ाने में मेरी हेल्प कीजिए, क्योंकि मेरा नया नया चैनल है। तो चलिए एक बात और दोस्तों, यदि आप हिंदी से रिलेटिव कोई भी टॉपिक पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूँगी।